हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो सिंडिकेट बैंक द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जिन लोगों को RRB, NTPC, SSC, CGL तथा बैंक आदि का स्टडी मटेरियल चाहिए, वो लोग अपना नाम और ईमेल हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे पास लगभग सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का 50 GB से अधिक का स्टडी मटेरियल है। आपको सारा स्टडी मटेरियल मेल कर दिया जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी रिजल्ट अड्डा से जुड़ सकते हैं, जहां पर ये सारा स्टडी मटेरियल पहले से अपलोड है। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। जॉब जो है सिंडिकेट बैंक द्वारा निकाली गई है। अगर इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म भरने का जो डेट है अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का डेट जो है 29 मार्च 2019 से स्टार्ट हो रहा है, तथा इसका लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। अभी बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इसमें अगर पोस्ट नेम की बात करें तो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर लॉ की पोस्ट है, तथा मैनेजर IAS ऑडिट की पोस्ट है, तथा सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 5 वैकेंसी हैं, मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 50 वैकेंसी है, मैनेजर लॉ की 41 वैकेंसी है, मैनेजर IAS ऑडिट की 3 वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर की 30 वैकेंसी है। टोटल इसमें 129 वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें SC के लिए 1 वैकेंसी है, तथा OBC के लिए 1 है, और जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। इसमें मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में टोटल 50 वैकेंसी हैं, जिसमें SC के लिए 7 हैं, ST के लिए 4 हैं, EWS के लिए 5 हैं, और OBC के लिए 14 वैकेंसी हैं, तथा जनरल कैंडिडेट के लिए 20 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं मैनेजर लॉ की, तो इसमें टोटल 41 वैकेंसी हैं, SC कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी हैं, ST के लिए 3 वैकेंसी हैं, और EWS कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी हैं, OBC कैंडिडेट के लिए 11 वैकेंसी हैं, तथा जनरल कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसी हैं। अगर मैनेजर IAS ऑडिट की बात करें तो इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं, इसमें 1 OBC के लिए तथा 2 जनरल कैंडिडेट के लिए हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो इसमें टोटल 30 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए, ST के लिए 2 हैं, EWS के लिए 3 वैकेंसी हैं, और OBC कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी हैं, तथा जनरल कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो सीनियर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 42,000 से 51,000 के बीच है, तथा बाकी सभी पोस्टों के लिए 31,000 से 45,950 है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए विद मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट विद फुल टाइम MBA बैंकिंग या फाइनेंस में, या फिर कैंडिडेट को फुल टाइम MSc मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर MSc स्टैटिक्स होना चाहिए मिनिमम 60% नंबर के साथ, तथा SC OBC के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर कैंडिडेट CA या ICWA होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की, तो इसमें कैंडिडेट को जो है ग्रेजुएट पास होना चाहिए मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स के साथ एज अ सब्जेक्ट विद फुल टाइम MBA बैंकिंग या फाइनेंस, या फिर इसके बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर कैंडिडेट को MSc मैथमेटिक्स या स्टैटिक के साथ कम से कम 60% नंबर के साथ पास होना चाहिए, तथा SC, ST, OBC, PWD के लिए 55% नंबर होने चाहिए, या फिर कैंडिडेट को CA या ICWA पास होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजर लॉ की, तो इसमें कैंडिडेट को बैचलर डिग्री पास होना चाहिए लॉ में, यानी LLB पास होना चाहिए। अगर मैनेजर IAS ऑडिट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए मिनिमम 60% नंबर के साथ, उसके साथ फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, CISA कंपल्सरी हो या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, या फिर CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर की। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो इसमें कैंडिडेट ऑफिसर होना चाहिए विद 5 ईयर कमीशन सर्विस इन द आर्मी नेवी एयरफोर्स, या फिर कैंडिडेट पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, उसके लिए ASP या DSP से नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए, और 5 साल का मिनिमम सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइए बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो इसमें रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, तथा प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, तथा इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, टोटल टाइम जो है 2 घंटे 30 मिनट का होगा। अगर एप्लीकेशन ऑफ फीस की बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है प्लस GST होगा,
तथा जनरल और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस तथा GST चार्ज किया जाएगा। आइए बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर देंगे, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है, उसके बाद सारी डिटेल फिलअप करके पेमेंट कर देना है। अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए तथा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।